Hey guys, welcome back. आज हम लोग बात करने वाले हैं पोकेमोन जर्नीज के एसके वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ड्रैगनाइट के बारे में। मानो ना मानो, किसी ना किसी एक पोकेमोन का गुड बाय होना तय है, ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और लुकारियो के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो अब बात करेंगे ड्रैगनाइट के बारे में, बिकॉज लुकारियो के बाद यही वो पोकेमोन है जिसके रिलीज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हुए मुझे एक लीक स्टोरी मिली है जो कि सच भी हो सकती है। तो हाँ, ये वीडियो तुम्हें इमोशनल, बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर देगा, तो यार उससे पहले सब्सक्राइब कर देना। तो अब शुरू करते हैं। तो यार इस टॉपिक को सुनकर तुम्हारे दिमाग में एक ही डाउट आएगा कि यार ड्रैगनाइट जा रहा है मानते हैं, लेकिन यार ड्रैगनाइट क्यों, बाकी पोकेमोन भी तो है। तो देखो, इसकी एक वजह है कि ये है एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन। और तुम्हें पता है इसके पास जितने भी सूडो लेजेंडरी पोकेमोन आए हैं, एक ही आया है, वो भी रिलीज हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ गुडरा के बारे में। गुडरा आया था, वो रिलीज हो गया, और ये दूसरा सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है, तो इसका रिलीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई गिब्बल तो रिलीज नहीं हुआ ना, तो ड्रैगनाइट भी नहीं होगा, सिंपल, आता जाता तो ये कुछ है नहीं, आ गया वीडियो बनाने। बट सुनो मेरी बात, गिब्बल जो है वो कोई सूडो लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है, वो तो फर्स्ट फॉर्म है गार्चोम का। गार्चोम सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है, तो इसके पास गार्चोम नहीं है, डैश वाई वो रिलीज नहीं हुआ। क्या पता अगर गिब्बल जो है गार्चोम बन जाता तो वो भी रिलीज हो जाता। बट अभी के लिए इसके पास ड्रैगनाइट पोकेमोन है जो कि रिलीज हो सकता है। अब जो मैंने लीक स्टोरी को सुनी है तो मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुन लेना। सो दोस्तों, ड्रैगनाइट के गुड बाय का हिंट हमको एपिसोड 10 में ही मिल गया था, जहाँ पे पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 10 में प्रोफेसर साइरस ने इसके तुमको बताया था कि ड्रैगनाइट जो है काफ़ी रेयर पोकेमोन है, ये ऐसे वैसे देखने को नहीं मिलते जैसे कि मैजिकाप देखने को मिलती है। ये पोकेमोन जो है इतने रेयर है कि सिर्फ वो सिर्फ यार ये पाए जाते हैं कांटो के ड्रैगन आइलैंड पर, सबसे ज़्यादा वहीं पे पाए जाते हैं, बाकी छोटे मोटे इलाके में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट था, और ये पॉइंट जो है स्टोरी में काफ़ी काम आएगा, तो डैश वाई मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। तो अब लीक वाली कहानी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि वर्ल्ड कॉम्बिनेशन सीरीज जो है ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि एस कैजम जो है वो जीत चुका है या फिर हार चुका है। ऑब्वियस ही बात है, इतना बड़ा स्पॉइलर लीक वाली स्टोरी में हमको नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मान के चलो कि एस कैजम जीत गया है। जीतने के बाद प्रोफेसर साइरस की लैब में बहुत बड़ी पार्टी हुई है, और पार्टी के बाद अगले दिन एस कैजम और गोज होते हैं अपने पोकेमोन्स के साथ टीवी देख रहे होते हैं, जहाँ पे एस की न्यूज़ बताई जा रही होती है कि एस कैजम जीत गया, या फिर क्या पता एस कैजम हार गया, लियोन जीत गया, टीवी पे कुछ भी दिखाया जा सकता है। और जैसे ही ये न्यूज़ ख़त्म होगी, उसके बाद ऑफिसर जेनी आती है, वो यार बता रही होती है कि पास के ड्रैगन आइलैंड के ऊपर बहुत सारे हंटर्स आ चुके हैं, और ड्रैगनाइट को कैप्चर करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एस कैजम जो है बोलेगा हमको जाना पड़ेगा इनकी मदद करने, और ड्रैगनाइट भी टीवी देख रहा होता है, ड्रैगनाइट को यार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, पागल हो जाता है, वो बोलता है मुझे मेरे दोस्तों की हेल्प करनी है, मदद करनी है, जल्दी से एसम चलो। तो एस गो ड्रैगनाइट और गो का ड्यूगोंग पोकेमोन भी चले जाएंगे। गो का ड्यूगोंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसकी क्रश जो है वहीं पे है, क्या पता उसको देखने को मिल जाए, सिंपल सी बात है। अपन यार अपनी क्रश को तो देख नहीं सकते, लेकिन यार गो के ड्यूगोंग की पोकेमोन की सेटिंग तो करा सकते हैं ना, कि यहाँ पे एस कैजम जो है उस आइलैंड पर चला जाएगा, और ड्रैगनाइट जो है हंटर से फाइट करेगा, लेकिन वो हारने वाला होगा। बट एट द एंड अपने दोस्तों की हालत देख कर वो कहीं ना कहीं यार मायूस हो जाएगा, और बहुत बड़ा ड्रैगो मीटियर अटैक करेगा, डैश वाइज सारे के सारे हंटर्स जो है बेहोश हो जाएंगे, और अपने दोस्तों को, अपने पोकेमोन्स को यार वो आज़ाद करा लेगा। और फिर यार हंटर्स जो होंगे वो ऑफिसर जेनी आएगी, उनको गिरफ्तार करेगी, अरेस्ट करेगी, जेल के अंदर डाल देगी, और ऑफिसर जेनी जो है एस को थैंक्स बोलेगी और चली जाएगी। अब इमोशनल टच जो है कहानी में अब आएगा। इस कहानी में बता रखा है कि जैसे ये सब होगा, बाकी के ड्रैगनाइट जो होंगे काफ़ी वीक पड़ जाएंगे, बिकॉज हंटर्स ने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, अब वो यार काफ़ी वीक हो चुके हैं, अब उनको रिकवर करने के लिए एक दो साल का समय लगेगा, और पास में जो लेक है, पानी है, वो यार सुकून आएगा, उसको सही कर देगा। डैश वाई ड्रैगनाइट जो है थोड़े बहुत सही हो जाएंगे, लेकिन थोड़े बहुत यार सही नहीं हो पाएंगे, बिकॉज उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक किया गया है। तो कहीं ना कहीं बाद में होगा कुछ ऐसा, एक कैजम बोलेगा कि यार इस बार तो हमको टीवी पे न्यूज़ देखकर पता चल गया कि तुम्हारे दोस्त खतरे में है, लेकिन यार अगर वापस से कोई हंटर्स आए इनके ऊपर हमला करने, तो यार इनको कौन बचाएगा। तो यार मेरी मानो ड्रैगनाइट, तुमको यार यहीं पे रहना पड़ेगा इनकी मदद करने के लिए, तुम्हारे पोकेमोन है, तुम्हारे फ्रेंड है, तुमको इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ड्रैगनाइट भी बोलेगा हाँ मैं यहीं पर रहूँगा, तो यार शाम का समय हो जाएगा, लीक में बता रखा है। फिर एस कैजम और ड्रैगनाइट बहुत अच्छी तरीके से
अटैक करेंगे और बाद में ड्रैगनाइट बोलेगा बाय बाय एज के जम, और एक जम बोलेगा बाय बाय ड्रैगनाइट, तुम इनकी रक्षा करो और जब ये पोकेमोन ठीक हो जाएंगे मैं तुम्हें वापस से लेने के लिए जरूर आऊँगा, प्रोमिस करता हूँ। मतलब हंसी आ गई यार, थोड़ी मेरी हंसी वियर्ड थी लेकिन क्या करूँ यार, लीक स्टोरी में लिखा हुआ है एज प्रोमिस कर रहा है और उसका प्रोमिस कांटे की लकीर होता है। क्या बोलते हैं, बट हाँ तुम्हें पता है एस जो है अपना प्रॉमिस को बिल्कुल नहीं निभाता है, लेकिन यहीं पे लीक स्टोरी जो है ख़त्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये लीक स्टोरी जो है सिमिलर है लेप्रस की स्टोरी से। लेप्रस की स्टोरी में भी ऐसे ही हुआ था, यहाँ पे लेप्रस की फैमिली थी, यहाँ पे ड्रैगनाइट का फ्रेंड था, तो लेप्रस जो है अपनी फैमिली को बचाने के लिए चली गई थी, बचा लिया था और गुड बाय हो गया था। तो सेम टू सेम यहाँ पे ड्रैगनाइट का भी गुड बाय होने वाला है और पिजियोट की स्टोरी भी सेम टू सेम थी। तो कहीं ना कहीं इन तीनों में कोई सिमिलर बातें नहीं है, लेकिन ड्रैगनाइट और पिजियोट में काफ़ी सिमिलर बात है। दोनों कांटो रीजन के हैं, दोनों फ्लाइंग टाइप के हैं और दोनों एज के पहले पोकेमोन है उनके रीजन से, उनकी सीरीज थे। तो कहीं ना कहीं यह हिंट हो सकता है कि अपना ड्रैगनाइट भी इसी की तरह गुड बाय होने वाला है, और क्या पता इसकी तरह इसका वादा भी चकनाचूर हो जाए, बट कोई नहीं, हाँ अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं इसका जो गुड बाय है ना, गोड्रा की तरह भी होने वाला है। गोड्रा भी अपने दोस्तों के लिए चला गया था, गोड्रा को तो यार एस ने लिए इसलिए था ताकि उसको स्ट्रॉन्ग बनाकर वापस उसकी जगह पर रख ले, बट हाँ कहीं ना कहीं स्टोरी सिमिलर है। तो यार तुमको पता चल रहा है ना कि ड्रैगनाइट जो है ऐसे ही गुड बाय होने वाला है, बट हाँ अजीब लग रहा है, बट हाँ तुमको ज्यादातर चांस है कि तुमको ऐसे ही देखने को मिलेगा। तुम इनको मोस्ट ट्रस्टेड स्टोरी मान सकते हो बिकॉज मैंने काफी मेहनत की है इसको फाइंड करने में। अगर ऐसे गुड बाय नहीं होगा तो यार ड्रैगनराइट जो है दूसरी तरीके से गुड बाय हो सकता है, क्या पता आयरिस जो है ड्रैगन मास्टर बन जाए और आयरिस कुछ ज्यादा ही अलग फिनोमिना की प्रैक्टिस करे, ड्रैगन फोर्स का फिनोमिना। तो यार उसको प्रैक्टिस करने के लिए एस का ड्रैगनराइट जो है ये फैसला करे कि आयरिस के पास रहकर मैं ड्रैगन फोर्स की पावर के ऊपर जो है काबू पाऊंगा और अगले सीरीज में एस के पास जाऊंगा और एस को एक और नया फिनोमिना देकर उसको बना दूंगा फिनोमिना का राजा। बिकॉज एस के पास सभी के सभी फिनोमिना है, सिर्फ आयरिस का ड्रैगन फोर्स की पावर नहीं है। तो आयरिस जो है ड्रैगनाइट को ट्रेन कर सकती है ड्रैगन फोर्स की पावर पे काबू पाने के लिए, और जैसे एस का ड्रैगनाइट जो है ड्रैगन फोर्स की पावर के ऊपर काबू पा लेगा वो चला जाएगा एस के पास और बाद में बन जाएगा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन। तो कहीं ना कहीं ये वाली स्टोरी भी मुझे अच्छी लग रही है, बट सबसे ज़्यादा चांस है कि पोकेमोन्स को बचाने के लिए वहाँ पे जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एस का ड्रैगनाइट जो है रेक्वाजा के पास चला जाए उससे ट्रेनिंग लेने या फिर दुनिया को बचाने, बिकॉज केलोस का फॉर्मूला जो था ना एंडिंग वाला वो काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट था। तो क्या पता पोकेमोन वाले उसी स्टोरी को थोड़ा बहुत चेंज करके जायगेट की जगह अपने रेक्वाजा को रखे, रेक्वाजा के साथ ड्रैगनाइट जाए दुनिया को बचाने के लिए, पॉसिबल है बिकॉज स्टोरी में कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ड्रैगनाइट या किसी दूसरे पोकेमोन के ग्रुप को बचाने के लिए वहां पे चला जाएगा। अगर पोकेमोन वाले ने ठान ही लिया है कि यार ड्रैगनाइट का गुड बाय करना है तो वो कैसे भी गुड बाय कर सकते हैं, बट मेरा एक चांस है, मेरा एक पॉइंट है कि गुड बाय करो, लेकिन ऐसा गुड बाय होना चाहिए ना ड्रैगनाइट का स्टोरी जो है ना सुपर डुपर कंप्लीट लगना चाहिए। खैर इसको रहने दो, ये तो लीक स्टोरी है, अब पोकेमोन के ऊपर ही है कि वो लुकारियो रिलीज करेंगे या फिर ड्रैगनाइट को रिलीज करेंगे या फिर गेंगार को। यस गेंगार भी रिलीज हो सकता है, मेरे पास लीक स्टोरी आई है गेंगार की, उसको मैंने देखा, मैं पागल हो गया। अगर तुमको जानना है तो इस वीडियो पर 9K लाइक कर देना और मैं डैम सीरियस हूँ मैन, सब्सक्राइब पोकेविज का आंसर, तो बाय बाय।